बच्चों, आज हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या से पहले आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो प्रकृति में हमें देखने को मिलती है, मतलब प्रकृति में दी गई चीजों को जिसके द्वारा हम गिन सकते हैं वो प्राकृत संख्या है। जैसे कि मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड है, या एक मार्कर मेरे हाथ में है, या मैं कहूं कि मेरी दो आंखें हैं, या बाहर इतनी कारें खड़ी हैं, हम देख के उनको गिन सकते हैं। वो हमारे पास प्राकृत संख्या, और वो हमारी गिनती होती है जो हम गिनती शुरू करते हैं। मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी अनगिनत ये चलती रहती है। अब ये उधर तो चलती रहती है और इधर भी कुछ ना कुछ संख्या होगी। यदि आप एक चीज देखें कि मेरे पास दो मार्कर हैं और मैंने एक को इसमें से हटा लिया तो एक बच गया, लेकिन एक को और हटा लिया तो क्या बच गया? दो मार्कर हैं, मैंने दोनों को हटा लिया तो क्या बच गया? हम अक्सर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं मार्करों की बात कर रहा हूं कि कितने मार्कर बच गए। तो यदि उसको संख्याओं में हम लेंगे तो मेरे पास कितने मार्कर बच गए? शून्य मार्कर बचे हैं, जीरो मार्कर बचे हैं। तो तब हमारे पास फिर पूर्ण संख्या का उदय हुआ। मतलब पूर्ण संख्या के अंदर हमने और क्या ले लिया? शून्य को ले लिया, लेकिन उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं पहले से विद्यमान हैं। मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा अंक हमारे पास आ गया जो क्या है? शून्य। और शून्य क्या होता है कि जितनी दी गई संख्या है उस संख्या में से यदि उसी संख्या को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है? शून्य बचता है। अब यहां से देखें जो ये सारी की सारी पीछे वाली संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सारी संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर है। यदि मैं 3 बोलूंगा क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ ये भी है। यदि मैं 5 को लूंगा क्या ये पूर्ण संख्या है? यदि मैं 1 को लूंगा क्या ये पूर्ण संख्या है? लेकिन क्या पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? 4 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत भी है। 4 को हम पूर्ण भी कह सकते हैं, प्राकृत भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम शून्य पे आते हैं, शून्य एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्याओं के अंदर वो नहीं है। तो इसलिए हम सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि क्या छोड़ना पड़ेगा? शून्य। अब शून्य एक अलग आया हमारे पास। उसके बाद यदि हम दोनों की स्थितियों को देखें कि प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो क्या है? एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो शून्य। यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि प्राकृत पूछी गई है या पूर्ण पूछी गई है। प्राकृत संख्या सबसे छोटी एक है और पूर्ण संख्या सबसे छोटी शून्य है, जीरो है। आइए आगे कुछ बढ़ते हैं इसमें। अब आगे पूर्ण संख्याओं में हमारे पास पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं भी आती हैं। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को पहले समझें। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि पूर्व, पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में, वर्ती आने वाली, इससे पहले आने वाली और बाद में आने वाली। यदि मैं कहूं कि 99 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? पूर्व का मतलब इससे पहले, 99 से पहले मेरे पास क्या आ गया? 98, ये इसकी पूर्ववर्ती है। और यदि मैं कहूं कि 99 की परवर्ती कौन सी है? बाद में आने वाली, तो मेरे पास क्या होगी? 100। ये हम देख सकते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को हम निकाल लेंगे कैसे? पूर्ववर्ती निकालने के लिए संख्या में से एक को घटा दें और परवर्ती निकालने के लिए संख्या में एक जोड़ दें। क्योंकि हमेशा पूर्ण या प्राकृत संख्याओं में हम देखते हैं कि एक संख्या के बाद आने वाली संख्या पहले वाली संख्या से एक बड़ी होती है और एक संख्या से पहले आने वाली संख्या बाद में आने वाली संख्या से एक छोटी होती है। तो यदि पूर्ववर्ती निकालना हो तो संख्या में से एक घटा दें, परवर्ती निकालना हो तो संख्या में एक जोड़ दें। आगे देखिए, 2001 की, हमसे पूछा ही जाएगा कि 2001 की 3 पूर्ववर्ती संख्याएं बताइए। तो पूर्ववर्ती संख्याओं के लिए मैंने कहा था भी एक घटा दें। जब एक को घटाएंगे मेरे पास ये बच गया, तो पहली तो मेरे पास आ गई 2000, लेकिन 3 निकालनी है तो एक और घटा दो, तो ये बचेगा 9 9 9। एक घटाना आप लोगों को आता ही है, फिर एक और घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ये आ गई हमारे पास संख्याएं
1999 और 1998 यदि पूर्ववर्ती संख्या है, और यदि परवर्ती संख्याओं की मैं बात करूं, परवर्ती संख्याओं की 10999 की परवर्ती संख्याएं बताइए, 3 तो 1 जोड़ दो, जोड़ दिया 0 0 0, 11000 आ गया, फिर एक जोड़ा, फिर जब जोड़े 11000 एक आ गया, फिर एक जोड़ा, फिर हमारे पास क्या आ गया 11002। तो इसकी 3 परवर्ती संख्या हमारे पास कौन कौन सी आ गई, 11000 11001 11002। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आता है पूर्ववर्ती और परवर्ती के बाद, कि दो संख्याओं के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। मान लो कि 13 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अक्सर इसमें हम गिनने लग जाते हैं, 13 के बाद 14 15 16 17 18, इस प्रकार से हम संख्याएं आगे बताएं भाई कितनी इसके अंदर पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसका एक आसान सा तरीका आपको बता देते हैं कि संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात करना। कितने हमारे पास 28 और 13 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, कितना आ गया 15। 28 में से 13 गए, क्या बच गया 15। अब जो आ गया उसमें से एक और को घटा दो, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 14 पूर्ण या प्राकृत जो भी आपसे पूछा जाए इतनी संख्याएं हैं। और एक उदाहरण इसका हम ले लेते हैं, बताइए कि 35 और 99 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या मेरे पास क्या है 99, इसमें से क्या घटा दूंगा, पहले 35 घटाऊंगा मैं, 64 आ गया, और इसमें से फिर एक और घटाना है। ये ध्यान रखना है कि इन संख्याओं को घटाने के बाद उसमें से संख्या एक को घटाएं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, या दो प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न इसके अंदर हमारे पास जो कंफ्यूजन वाला आता है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि प्राकृत और पूर्ण, ये संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से। हमारे पास प्रश्न आ जाएगा कि प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती। अब प्राकृत संख्या 1 ये रही, इसकी पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले, प्राकृत संख्या 1 में 1 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन यदि पूछ लिया कि पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ण संख्या 1 से पहले हमारे पास क्या आती है, शून्य आती है, तब हम उसका आंसर शून्य देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो 1 से पहले कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन जहां पे भी पूर्ण संख्या लिखा गया कि पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती बताओ, तो हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्याओं में है, प्राकृत संख्याओं में नहीं है। पूर्ण संख्याओं में एक और प्रश्न हमारे पास आता है, संख्याओं की तुलना करना। तुलना कीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। अब हमें इतना तो पता है भी संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा में कौन बड़ा होता है, इकाई से दहाई बड़ी होती है, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, इस प्रकार बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा अंक ही देखेंगे इसका, सैकड़े का अंक है जो दोनों का वो क्या है, समान है। अब दहाई पे चलेंगे, दहाई में इसका अंक 4 है इस संख्या का और इसका अंक 0 है, तो बड़ा कौन सा है, 4 है, तो बड़ी संख्या एक ही, छोटी संख्या की तरफ हमें तीर का निशान लगा देना है। ये बड़ी छोटी संख्या के लिए बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, ये भी सैकड़े तक ही है। यदि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा और मैंने 1000 तक ले लिया, अब दोनों तरफ 1000 है, जब मैंने 1000 का अंक देखा बराबर है, फिर मैंने सैकड़े का अंक देखा 8 8 बराबर है, फिर मैंने दहाई का अंक देखा, इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें दहाई का अंक 7 है, तो बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, तो तीर का निशान इधर आएगा। हमेशा बड़े से देखना शुरू करना, हम यहीं से नहीं देखेंगे भी ये 3 है, ये 7 है, ये बड़ा हो गया, नहीं, आगे सैकड़े का अंक इसमें सबसे बड़ा है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो यहां से देखने से तो ये बड़ी होगी ना सैकड़े वाली,
तो ये सात सैकड़े का इससे ये सात बड़ा है तो बड़ी संख्या ये है तो निशान इधर लगेगा। इस प्रश्नावली में लगभग इतने ही प्रश्न हैं और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आइए इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।